हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लाए हैं मिरर्स 2 मूवी जो 2010 में रिलीज हुई थी। स्टोरी स्टार्ट होती है मैक्स और उसकी गर्लफ्रेंड कायला से। मैक्स कार ड्राइव कर रहा था और अचानक से ध्यान हटने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और कायला मर जाती है। पर मैक्स अब कायला की मौत का जिम्मेदार खुद को समझने लगा और वो डिप्रेशन में आ गया, इसीलिए वो थेरेपी लेना स्टार्ट कर देता है। लेकिन असल में गलती सामने वाले ड्राइवर की थी क्योंकि वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था। अब हम एक हेनरी नाम का गार्ड देखते हैं जो मेफ्लावर नाम के मॉल में काम करता था। वो मॉल में रखे एक बड़े से मिरर से पेपर हटाकर उसके सामने अजीब अजीब तरह के फेस बना रहा था, पर तभी वो देखता है कि उसका रिफ्लेक्शन मिरर में स्टक हो गया है और वो इतना डर जाता है कि उसके हाथ से उसकी टॉर्च गिर जाती है और मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन वो कांच उठाकर खाने लगती है। और तभी रियल हेनरी के मुंह से भी ब्लडिंग होने लगती है। वो बहुत चिल्लाता है पर वहाँ उसे बचाने वाला कोई नहीं था। अब हम देखते हैं मैक्स को जो अपने डैड से बात कर रहा था और उसके डैड उसे बताते हैं मॉल के नाइट गार्ड ने कुछ कांच खा लिया है जिसकी वजह से वो जॉब पर नहीं आएगा और वहाँ काम करने वाली एक एम्प्लॉय भी कुछ महीनों से गायब है और किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो क्यों ना कुछ दिन तुम नाइट गार्ड की जॉब वहाँ कर लो, जिस पर मैक्स मान जाता है। अब जब मैक्स मॉल के लिए आ रहा था तो रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो अपने मिसिंग सिस्टर के पोस्टर लगा रही थी। ये लड़की वही थी जिसकी बात मैक्स के डैड कर रहे थे। मैक्स मॉल पहुँचता है और वहाँ उसके डैड उसे जैना जो की मॉल की हेड बायर थी, टेलर जो की स्टोर मैनेजर था और रेयान जो स्टोर का वाइस प्रेसिडेंट था, सबसे मिल पाते हैं। जब मैक्स किचन में जाता है तो मैक्स को अपने पीछे एक औरत दिखाई देती है और वो सोचता है कि ये सिर्फ इसका एक वहम है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उस औरत को देखता है जो कि मिरर के अंदर हाथ पीट रही थी और अब मैक्स बहुत डर जाता है। नेक्स्ट नाइट जब मैक्स मॉल में घूम रहा था तो उसे मिरर के रिफ्लेक्शन में जैना दिखाई देती है जो अपने ही सर को उखाड़ रही थी, जिससे मैक्स काफी डर जाता है। और अब हम देखते हैं जैना को जो अभी अभी नहा कर आई थी और तभी मिरर में से उसका रिफ्लेक्शन उसे डरा देता है, जिससे वो अचानक से पीछे हटती है पर डिसबैलेंस होने की वजह से वो गिर जाती है और बाथरूम का मिरर टूटकर सीधा उसकी गर्दन पर गिरता है और उसकी गर्दन बॉडी से अलग हो जाती है और वो मर जाती है। जब नेक्स्ट डे मैक्स जैना की डेथ न्यूज सुनता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसने ठीक वैसा ही कुछ मिरर में देखा था। अब नाइट में जब मैक्स घूम रहा था तो वो देखता है रेयान की रिफ्लेक्शन को जो अपना पेट काटकर अपनी आंतें बाहर निकाल रहा था, जिससे मैक्स को रियलाइज होता है कि शायद अब रेयान भी मरने वाला है, वो भी उसी तरह जिस तरह उसके रिफ्लेक्शन ने किया है। और इधर रेयान घर पर खाना बना रहा था और वो खाना लेकर आता है और देखता है कि मिरर में उसकी रिफ्लेक्शन ही नहीं है, जिससे वो डर जाता है और मिरर की तरफ बढ़ता है। तभी अचानक उसकी रिफ्लेक्शन उसके सामने आती है जिसके हाथ में एक चाकू था और वो एक एक करके उसके दोनों पैरों के एंकल को काट देती है, जिससे रियल रियान के एंकल भी कट जाते हैं और रियान नीचे गिर जाता है और चल नहीं पाता। और इधर मैक्स रियान को कॉल करता है ये बताने के लिए कि उसकी जान खतरे में है, पर रियान फोन तक पहुंचता उससे पहले ही उसकी रिफ्लेक्शन चाकू से अपना पेट काट लेती है, जिससे उसकी आंतें बाहर आ जाती है और वो भी मारा जाता है। अब क्योंकि रियान ने कॉल पिक नहीं की थी तो मैक्स रियान के घर जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो उसे बचा सके, पर वो देखता है कि रियान के घर के बाहर बहुत सारी पुलिस और मीडिया वाले पहले से हैं। फिर मैक्स अपने डैड को कॉल करता है और कहता है कि अब वो इस जॉब को कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ कुछ अजीब सा हो रहा है। तभी वो देखता है कि रोड साइड पर पड़े हुए पानी के रिफ्लेक्शन में उसके डैड का फेस है जिसमें बहुत सारे कट लगे हुए हैं और वो समझ जाता है कि अब उसके डैड की जान खतरे में है और वो तुरंत अपने डैड के घर की ओर भागने लगता है। पर घर पर जैक पिज़्ज़ा कटर से पिज़्ज़ा काट रहा था और तभी मिरर में उसका रिफ्लेक्शन कटर से अपना फेस काटने लगता है, जिससे जैक को बहुत अजीब सा फीलिंग होता है। और तभी वहाँ मैक्स पहुँच जाता है और उसके डैड अभी बिल्कुल सही थे और वो देखता है कि उसके डैड की रिफ्लेक्शन भी वहाँ है और वो सब सिर्फ उसको डराने के लिए था ताकि वो उस जॉब को ना छोड़े
और मैक्स अपनी जॉब को कंटिन्यू रखता है। अब मैक्स को दो डिटेक्टिव्स मिलते हैं और उन दोनों मर्डर्स के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद वो दोनों मर्डर्स मैक्स ने किए हैं और कोई स्ट्रांग एविडेंस ना होने की वजह से वो उसे जाने देते हैं और वार्न करते हैं कि हमारी नज़र तुम पर ही रहेगी। फिर मैक्स जाता है मिरर के पास और कहता है, तुम क्या चाहते हो? तब मिरर के रिफ्लेक्शन उसे रास्ता दिखाती है और मैक्स ऊपर की तरफ जाता है, जहां उसे एलिनर नाम की एक लड़की का आईडी कार्ड मिलता है जो पहले यही काम करती थी, और यह वही लड़की थी जिसका मिसिंग पोस्टर उसकी बहन एलिजाबेथ लगा रही थी, और मैक्स के डैड भी उसी लड़की के बारे में बता रहे थे। उसके बाद मिरर उसे बाहर की तरफ इशारा करता है और बाहर की तरफ आने पर उसे वही मिसिंग पोस्टर दिखाई देता है, और मैक्स पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल करता है और एलिजाबेथ से बात करता है। अगले दिन मैक्स एलिजाबेथ से मिलता है और बताता है कि जब से मैं मेफ्लावर में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ तो स्ट्रेंज हो रहा है और मैं शायद तुम्हारी बहन एलिनर के बारे में कुछ जानता हूँ। एलिजाबेथ पहले तो उस पर बिलीव नहीं करती, पर मैक्स के समझाने पर वो उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है, और मैक्स उसे बताता है कि हाल ही में जैना और रेयान की मौत हुई है जो मॉल में ही काम करते थे, और मुझे शक है कि उन दोनों की मौत का कनेक्शन तुम्हारी बहन के मिसिंग होने से जरूर है। और एलिजाबेथ के पूछने पर मैक्स उसे बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड की एक्सीडेंट में मौत हुई थी और वो अब अपने डिप्रेशन से बाहर आने के लिए ये जॉब कर रहा है, और एलिजाबेथ उसे बताती है कि उसकी बहन मेफ्लावर की ग्रैंड ओपनिंग की पार्टी में आई थी और तभी से वो मिसिंग है। अब मैक्स अपने घर आता है और वो मिरर में एलिनर के रिफ्लेक्शन को देखता है, और एलिनर के रिफ्लेक्शन एक सीजर उठाती है और मैक्स को मारने की कोशिश करती है, और मैक्स उसे बोलता है कि मैं वो सब करने को तैयार हूँ जो तुम चाहती हो, और अचानक से मैक्स की आँख खुलती है जिससे उसे पता चलता है कि ये जो सीन उसने अभी देखा था वो सिर्फ उसका एक सपना था। अब रात को मैक्स मॉल आता है और सिक्योरिटी कैमरे में चेक करता है, और वो उस दिन के सारी फुटेज देखता है जिस दिन एलिनर गायब हुई थी, लेकिन उसे उस दिन की कोई फुटेज वहाँ नहीं मिलती क्योंकि उसे शायद किसी ने डिलीट कर दिया था, और ऐसा करने वाला पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड ही हो सकता था। तो एलिजाबेथ और मैक्स हैंनरी के घर जाते हैं और देखते हैं कि हैंनरी के घर के सारे मिरर्स पर पेपर्स लगे हुए हैं ताकि उसे कोई भी रिफ्लेक्शन ना दिखे। वो दोनों हैंनरी से एलिनर के बारे में पूछते हैं तो वो उन्हें मना कर देता है, तो मैक्स फोर्सफुली उसके घर में घुस जाता है और पूछने पर वो बताता है कि मुझे नहीं पता कि एलिनर के साथ क्या हुआ, पर जो फुटेज मैंने डिलीट की थी वो मुझसे कैलर ने करवाई थी। तो मैक्स और एलिजाबेथ समझ जाते हैं कि एलिनर के मिसिंग होने के पीछे ज़रूर कैलर का ही हाथ है, और उन्हें लगता है कि हैंनरी मॉल के बेसमेंट के बारे में कुछ छुपा रहा है, तो वो दोनों मॉल के बेसमेंट में कुछ क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर कैलर दोनों को सीसीटीवी कैमरे की हेल्प से देख लेता है और अपनी गन लेकर वहाँ बेसमेंट में आता है और एलिजाबेथ को बांध देता है। फिर मैक्स को ढूंढने लगता है, पर एलिजाबेथ किसी तरह अपने हाथ खोलकर भाग जाती है और कैलर उस पर बहुत सारी गोलियाँ चलाने लगता है। फिर उसके बाद वो मैक्स पर भी गोलियाँ चलाता है, और तभी मैक्स को एलिनर की डेड बॉडी मिलती है, यानी एलिनर अब मर चुकी थी और ये काम कैलर का था। एलिजाबेथ वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी पर कैलर उसे पकड़ लेता है, और मिरर में कैलर को दिखती है एलिनर। और अब स्टोरी सीधे आती है फ्लैशबैक में, जहाँ मेफ्लावर की ग्रैंड ओपनिंग चल रही थी। यहाँ एलिनर के साथ जैना, कैलर और रेयान सभी थे, और जैना एलिनर की ड्रिंक में कुछ मिला देती है जिससे एलिनर को नशा होने लगता है, और कैलर उसे अपनी गाड़ी में बैठाकर बेसमेंट में ले जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है, और एलिनर उससे बचने के लिए वहीं छुप जाती है, पर कैलर उसे ढूंढ लेता है और उसे बहुत मारने लगता है क्योंकि कैलर को पता था कि अगर वो उसे जाने देगा तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। बस इसीलिए वो एलिनर को गला दबाकर मार देता है, और मरते टाइम एलिनर की आत्मा मिरर में फंस जाती है, यानी जैना और रेयान को उसी ने मारा था। और अब प्रेजेंट में कैलर एलिजाबेथ को मारने ही वाला था, तभी वहाँ मैक्स आकर एलिजाबेथ को बचा लेता है, और मिरर में वो एलिनर की आत्मा को देखता है जिसे रिवेंज लेना था। मैक्स कैलर को मिरर की तरफ धक्का देता है
और एलिनर की आत्मा केलर को मिरर में खींचकर ले जाती है और फाइनली वो भी मर जाता है और अब एलिनर का बदला पूरा हो जाता है। अब हम देखते हैं हेनरी को जो उन्हीं डिटेक्टिव्स के पास था जो मैक्स पर शक कर रहे थे। हेनरी उन्हें बताता है कि उसने वो फुटेज केलर के कहने पर डिलीट की थी। फिर वो डिटेक्टिव्स वहाँ से चले जाते हैं और अब हेनरी देखता है एक मिरर को जो धीरे धीरे क्रैक हो रहा था और हेनरी एलिनर का नाम लेता है और बहुत चीखता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।